मुझे देखिए हेल का मुझे किस्सा कभी कभी याद आ जाता है। मैं नाभिडांग में था 84 में, तो रात को जो है 2:30 बजे पहले उनको जो है शाम की चाय वाय के बाद उनका खाना होता था, 7 बजे खाना खिला के उनको सुला दिया जाता था यात्रियों को, ताकि 2:30 बजे वो चलें। तो अचानक मैं भी बैठा वहाँ पर अपना देख रहा था कि भाई अपना पानी गर्म करना है, दूसरा करना है, हमारे संग कुक रहता था, हेल्पर रहता था, सारी फैसिलिटी है। तो अचानक एक यात्री कलकत्ता के थे, वो नीचे से लौट के आए, बज रहे होंगे 12:30 1, कहने लगे जी मेरा चश्मा गायब हो गया। अरे मैंने कहा चश्मा गायब हो गया तो हरी घास व्याप्त थी वहाँ, और मैं भी जो है अपना टॉर्च लगा के देखने लगा कि यहाँ तो नहीं गिरा, यहाँ तो नहीं गिरा। अचानक 1:30 बजा 2:30 बजने को हुआ, मैंने कहा भाई, मैंने अचानक मेरे दिमाग में आया कि इन्होंने कहीं पहना तो नहीं है, मैंने टॉर्च लगाया है तो वो पता था आंखों में उन्होंने पहना था। मैंने कहा, कहने का आई एम वेरी सॉरी, मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसा हो जाए। आज साझा करूंगी एक बेहद रोचक जानकारी। ओम पर्वत करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। वैसे तो आज की तारीख में ओम पर्वत के बारे में जानकारी हासिल करना चुटकियों का काम है, लेकिन जो जानकारी आपको आज चैनल के माध्यम से मिलने वाली है वो बेहद खास है। आपकी मुलाकात उस शख्सियत से होगी जिसने इस पर्वत को खोजा, उसे ओम पर्वत नाम दिया, उसका प्रचार प्रसार किया और आज वो पर्वत विश्व मानचित्र पर ओम पर्वत के नाम से दर्ज है। ओम की आकृति को याद करने मात्र से ही भक्त भाव विभोर हो नतमस्तक हो जाता है। तो कैसा रहा होगा वो क्षण जब अचानक हिमालय पर स्वर्णिम आभा से चमकती ओम की आकृति के दर्शन हुए होंगे। उस दुर्लभ रोमांचक यात्रा की जानकारी मिलेगी आपको आज की वीडियो। आप हैं विपिन चंद पांडे जी, सर आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दो कदम में। आज की वीडियो मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत खास है। धन्यवाद आपका, और आपने मुझे मौका दिया। मैं विपिनजन पांडे, भूतपूर्व पर्यटन विकास अधिकारी कुमाऊं मंडल विकास निगम। वैसे तो मैं कुमाऊं मंडल में जो है 1980 से मैंने नौकरी ज्वाइन की। जब 81 में बद्रीनाथ साइट को गया था केदारनाथ एक पार्टी को लेके, तो जब मैं आलामठ में एक जगह तब विश्राम कर रहा था तो मेरे मन में भी कौतूहल हुआ कि कैलाश मानसरोवर जो है के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करूं। आपकी ये कैलाश मानसरोवर के अलग अलग रास्ते होते हैं, जैसे आपका लिपू लेक का रास्ता है, उसके अलावा मुंशारी से है ऊटा मुझुरा जयंती धुरा होते हुए, उसके अलावा बद्रीनाथ से माणा से हैं, नेती से है, उसके बाद नाथुला दर्रे से हुआ, हिमाचल से हुआ, कश्मीर से हुआ, ये बहुत जगह से रास्ते रहे हैं। और सबसे जो मानस में खंड में जो वर्णन है वो इसी लिपू लेक वाले पास दर्रे से थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग खुल गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो विदेश मंत्रालय कुमाऊं मंडल के सहयोग से चलती है, उसका एक बड़ी प्रोसेस होती है। लॉटरी के सिस्टम से रैंडमली नाम निकलते थे, फिर मेडिकल और सारी प्रोसेस होती है। तो 81 में कुछ ऐसा रहा कि 3 दल गए, प्रथम बार जो यात्रा गई तो वो दिल्ली से चंपावत पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला से फिर आपका नारायणसम होते हुए सिरका गाला, उसके बाद मालपा बूदी गुंजी कालापानी होते हुए जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत में प्रवेश किया। और 3 दल में तीसरे दल में मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर जाने का मौका मिला अप टू लिपू लेक तक। वैसे तो मैं जिंदगी के 12-14 साल वहीं काटे हैं, कभी यात्रा अधिकारी कभी। उस समय किस तरह से यात्रा की जाती थी? टाइम में जो यात्रा चलती थी, अब देखिए लिपू लेक तक 95 किलोमीटर हुआ करते थे। मार्गों में कुछ चाय की दुकान के अलावा कुछ होती नहीं थी, आज तो मैगी चाउमीन भी वहाँ उस एरिया में पहुँच गया है। नमक भी जो है उस जमाने में ढुलान के द्वारा बकरियों से खच्चरों से 25 रुपये किलो बैठता था मैं ढुलान के नमक नाभिडांग में जाकर। 81 की बात है ये। देखिए उस जमाने में इनर लाइन परमिट बनता था जौलजीबी से पैदल यात्रा। आप ये लगाइए कि तवा घाट से जो है सिरका 14 किलोमीटर करीबन है, वहाँ से 12 किलोमीटर करीबन गाला, वहाँ से 9 किलोमीटर मालपा, 9 किलोमीटर आपका बूदी, वहाँ से 17 किलोमीटर गुंजी, 9 किलोमीटर फिर काला पानी, और फिर 9 किलोमीटर नाभिडांग और 9 किलोमीटर लिपू लेक। लिपू लेक पास मीन्स एक दर्रा होता है। देखिए जब पास को क्रॉस करना पड़ता है उसके भी टाइमिंग होते हैं।
हम लोग जब गए थे तो अब तो गाड़ियां वहीं पर आ जाती है लिपुली के पास। हम लोग जो है हमारे बैच में कुछ घोड़े कम आए थे तो हम लोग पैदल तकलाकोट 25 किलोमीटर गए दो जने, हमारे संग हमारे निगम के साथी गोपाल भी जी हुई हुआ करते थे। 4444 सीढ़ियां पार करके हम मालपा पहुंचते थे। मालपा जो है आपको मालूम है 17 अगस्त जो है 98 में जो दर्दनाक घटना हुई थी उससे वो जो है मालपा के काफ़ी यात्री उसमें और लोकल उसमें अपना प्राणों की आहुति दी। गर्भ्यांग जहाँ से क्या कहते हैं शियालेख जिसमें जहाँ पर फूलों की घाटी भी काफ़ी है, अप टू गाला तक आपको चौदास वैली मानी जाती है। उसके आगे जो है ब्यास वैली है, ब्यास जी की तपस्थली ये मानी जाती है। पांडव जो है वनवास के दौरान यहाँ आए ज्ञातवास के दौरान, तो कुटी कुंती के नाम पर बसा हुआ गांव है और नमक की खाने हैं, बहुत वृक्ष के वृक्ष हैं। अरिव्यांग एक जमाने में जो है भारत का लंदन कहलाता था, उसके सामने टिंकर छांगरू गांव है। वहीं से जब हम गुंजी पहुंचते हैं, गुंजी जो है गुंजी से एक बाइफिक्शन जाता है आपका कालापानी नाभिढांग होते हुए लिपु लेप को, दूसरा बाइफिक्शन जाता है कुटी जौलिंगकोंग होते हुए आदिगला पार्वती सरोवर। रामायण में कह रखा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब अचानक मेघ कीड़ाएँ हो रही बादलों से घना हुआ से तथा धीरे धीरे जो है बादल हटने लगे तो मेरी नज़र पड़ी ओम में और मैंने देखा वाकई में ये प्रभु की कृपा है कि ओम जो है पर्वत दिखाई दे रहा, ओम की आकृति है। तो उसके बाद ही फिर मैं 82 में जो है रैकिन चार्ज रहा, 84 में 4 महीने नाभिढांग रहा, 85 में यात्रा और फिर आगे मैं यात्रा अधिकारी भी 2 बार रहा। तो मेरा विचार रहा कि भाई यहाँ इस चीज़ को इसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो लोग जब आते थे तो मैं एक कभी कभी कागज़ में लिखना पड़ता था ओम, तब वो कहते कहाँ बन रहा है करके। फिर ओम पर्वत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ उस पर्वत का कि ये ओम पर्वत है? कि उसमें बैच चलते थे 3 बैच, बाद में 7 बैच चलने लगे, ऐसे बैच बढ़ने लगे। तो उसमें कभी काफ़ी यात्री लोग आते थे कोने कोने से, अब उनको पता चला, उन्होंने अपने मराठी गुजराती हर पत्रिकाओं में उसका वर्णन किया। 85 में फिर ऐसा हुआ मुझे कैलाश जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक मिस्टर देसाई जो हमारे संग कैलाश गए थे, बाद में जो एक अपने साधु बन गए थे, तो उनसे मेरी वार्ता हुई कि बहुत से लोग जो जिनके पास पैसा उतना नहीं होता, पासपोर्ट नहीं होता, तो इस टाइप का एक टूर बनाया जा सकता। तो उन्होंने एक जो है वासीकर जी हुआ करते थे जो पहले निगम के उनके कोलेब्रेशन से कुमार मंडल ने 99 में ये आदि क्लास का टूर चलाए। तो इस तरह से प्रचार होते रहा। बम्बई एक जमाने में मच्छरों का गांव था, आज भारत का हॉलीवुड हो गया। उत्तराखंड में भारत में ऐसी पीक हैं जो अननेम्ड हैं, अनक्लाइम्ड हैं, तो ये प्रभु की कृपा है। मानसोरी है जैसे परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा शिव पार्वती निवासु, मानसोरर कौन परसे बिन बादल हिम बरसे। तो आज ऐसा है प्रचार प्रसार को भी तीस जगह जो है बनने में टाइम लगा। टूरिज्म हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी की बैकबोन है। एक और हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ हमारा पर्यावरण उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है पर्यावरण को। पहले देखिए टूरिज्म का पैटर्न भी बदल गया है। पहले ऐसा था जनवरी फरवरी कपल सीजन हुआ करता था, मार्च अप्रैल बम्बे गुजरात का था, मई जून जो है दिल्ली का, और फिर आपका जुलाई पंजाब का, जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर जो है बंगाल का, और फिर नवंबर मुंबई का, और फिर 31 औसकट है। आज जो है सैटरडे संडे वाला टूरिज्म हो गया, सारा टूरिज्म नैनीताल में केंद्रित हो गया। हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, जनसंख्या का ज़्यादा दबाव होगा तो सारी पानी बिजली हर चीज़ में फर्क पड़ेगा। पहले धार्मिक यात्राएं होती थी, उसके नियम धर्म हुआ करते थे, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं हुआ करते थे। हमको जो है पर्यावरण आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा। आज तो ठीक है पैसे की होड़ में हम वो है, बहुत सी देश हैं, बहुत जगह हैं जहाँ पर इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती, क्या वहाँ टूरिज्म नहीं चल रहा है? ग्रास रूट में काम दिखाई देना चाहिए, कागजों में काम चल रहा है उसका मॉनिटरिंग, इनपुट आउटपुट गोल एंड हैप्पीनेस की बात होनी चाहिए। ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे राय मशवरा किया जाए ताकि टूरिज्म में जो है एक हमारा जो विकास हो ऐसा विकास ना हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक अभिशाप बन जाए। आने वाले पर्यटकों के लिए मेरा ये संदेश है कि अगर आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो तीर्थ यात्री बन के जाइए,
दूसरा अगर ट्रैकर हैं तो ट्रैकर बन के जाइए, उस एरिया को खूब जानिए पहचानिए। वाइल इन रोम लिव लाइक ए रोमन, ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपना बहुत जरूरी आवश्यक चीज़ें ले जाएं, कचरा ना करके आए। तो हम ये कहें कि सरकार वहाँ से कूड़ा उठाएगी, सरकार ये करेगी, सरकार नहीं है। हम समाज बदलने की बात करते हैं या एरिया बदलने की बात करते हैं या पर्यावरण की बात करते हैं तो हमें जो है स्वयं ही अपना क्या कहते हैं अर्जुन बनना पड़ेगा, स्वयं ही जो है जो ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपकी पानी की समस्या हो रही है, हमारे ऋण होते हैं देव ऋण पितृ ऋण, ऐसी समाज के लिए भी कुछ ऋण होते हैं, उसका निर्वाह ग्रास रूट में करें और प्रैक्टिकली करें। ऋग्वेद और यजुर्वेद में ओम का जिक्र मिलता है। हिमालय पर स्वतः ही उस ओम की आकृति का होना अपने आप में विलक्षण है और फिर इस खोज को देश विदेश तक पहुंचाकर विश्व मानचित्र के पटल पर दर्ज कराना इतना आसान नहीं। वास्को डी गामा ने भारत को खोज निकाला। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिये ने की थी। ठीक इसी तरह विपिन चंद पांडे जी के द्वारा ओम पर्वत की खोज को विशेष दर्जा देकर सरकार द्वारा इसे एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है शेयर करिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।